गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, इनको जाना है टूर पे, मैंने कल आपको बताया था ना, तो बस वही तैयारी चल रही है। हाँ, देख लो जैसे आपको सही लगे। तो अभी ये देखो, इनकी अभी क्लास खत्म हुई है, तो ये बैठे हुए आराम से, ना नहाया धोया कुछ भी नहीं है। ये देखिए, सबसे अच्छा बच्चा जो है ना घर में वो ये है। ये देखो, टुक टुक, नहा धो के तैयार हो गया है। और ये देखिए, अभी टुक टुक तो खेल रहा है और ये जा रहे हैं ना, तो मुझे इनको जरा ब्रेकफास्ट दे दूँ मैं इनको, क्योंकि इनको देर हो रही है, निकलना है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज क्या बनाया है, क्योंकि मैं ये कह रही लाइट ही खा के जाइए, कल भी थोड़ा हैवी था ना। तो ये देखिए, ये है तोरी की सब्जी, यहाँ पे तोरी की सब्जी है, और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ये सब्जी और रोटी खा के चले जाएंगे। तो मैं फटाफट से इनके लिए बना देती हूँ, ये खा लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये ना बोलता सब कुछ है, ये हमारी गलती है, हम इसकी बात समझ पाते हैं। ये तो अपनी उसमें सारी बातें बता देता है। टुक टुक, नहीं नहीं नहीं, गिरेगा नहीं। आहा, देखो कितनी अच्छी सी बैठा है, मेरी बेटी को तो चेयर पे बैठना आ गया। टुक 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 टुक, बेबी देख देख कैसे कर रहा है, क्या करना चाह रहा है ये। हाँ, क्या करना है आपको? गुचकी जी, ओ मेरी गुचकी। हाँ, पता नहीं क्या कह रहा है भैया, फ्रेंच नहीं समझ में आती है। मैं टा गिर गई, गिर गई नीचे, उठा लो उठा लो। हाँ, ये मैं ले लूँ? लाओ मुझे दे दो। हाँ, पूरे घर में घूमता रहेगा। नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं डुगू, बाहर नहीं जाना, अंदर चलो अंदर रूम। डुगू बॉल रूम में लेके जा, डुगू बाहर बोलू, खेलने तो दे उसको, उसको खेलने दे बेटा। वॉशरूम का गेट बंद कर। बैठ गई आप? बैठ गई हो? क्या हुआ, कैसे बैठ गई हो? ये देखो, उठा लो उठा लो, डुगू से खेलने दे बेटा। कहाँ लेके जा रहा है बॉल? यहाँ लेके जा, देख तेरे पास ला रहा है बॉल, वहां से उठा के लाया तेरे पास। डुगू खेलने दे उसको। आप कहाँ जा लियो आप? कहाँ चाहिए ये? घरे से मम्मम, ये देखो घड़े से पानी निकाल रहा है, गले से मम्मम निकाल लियो। बच निकल गया ये देख। ओहो, ये तो गिरा रहा है, रख दो इसको, रख दो। देख देख कभी कितना समझदार है वो। अरे भाई, बस तारीफ कर दी तो बस बेकार फिर। बस टुक टुक, जल्दी रखो कटोरी, और इसको भी रखो। अरे नहीं, चम्मच नहीं डालना, चम्मच गंदा है, इसको यहाँ रख दो बस। नो नो,
मेरे बेटा? आप किसके बेटे हो पहले बताओ, किसकी बेटी हो आप? इतनी प्यारी सी जो आप, जितनी प्यारी हो। हाँ मेरा राजा बेटा, नहीं छेड़ो, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। और ये क्या कर लिया अंकल? ओ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, टिक टिक। अरे से तंग क्यों कर रहे हो बच्चे को? मैं बच्चे को तंग करती हूँ? अच्छा गुड़बू। तो ये तो चले गए हैं टूर पे, और बच्चे भी, टुक टुक भी चला गया है, और अभी बस मैं बैठी हूँ। अभी थोड़ा फ्री होकर, उसके पीछे इतना भागना पड़ता है ना तो थक भी जाते हैं। बस अभी मैंने कहा थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करूँगी, मतलब रेस्ट है बस, लेटूँगी थोड़ी देर, खाना वाना खाऊँगी। अभी खाना नहीं खाया है, खाना खाऊँगी। और ना थोड़ा राखी भी लानी है, रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो मुझे राखी भी लेके आनी है, क्योंकि फिर पता है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो फिर सारी अच्छी अच्छी राखियाँ तो चली जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले ले आऊँ, फिर लास्ट में ना तो ऐसी रह जाती हैं, तो अच्छी अच्छी राखी लेके आऊँगी। तो राखी लेने भी जाना, अभी ये नहीं पता फाइनली कि कब जाऊँगी, आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। और मुझे कान्हा जी के लिए ना झूला भी लेके आना था, तो वो भी लाना है मुझे। अब ये नहीं पता कि कब जाऊँगी, अभी फाइनल कुछ नहीं कह सकती। मन करेगा तो आज चली जाऊँगी शाम को, और नहीं करेगा तो फिर कल चली जाऊँगी, क्योंकि मार्केट तो जाना पड़ेगा, दूध लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा दूध लेने के लिए। अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, रेस्ट करूँगी। और टुक टुक इतना शैतान हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं। आज मैंने कहा टुक टुक की वीडियो बनाती हूँ, बहुत शैतान हो रहा है। वो बोलने लगा है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ पापा मम्मी, मम्मी पापा ताई, और मतलब ऐसे ही बोलता है। बहुत कोशिश तो करता है अपनी तरफ से बोलने की, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ बोलता है वो हमारी गलती है कि हम उसकी बात को समझ नहीं पाते।
छोटा सा इतना प्यारा सा, इतना क्यूट लगता है मुझे बिल्कुल, पता है उसके बिना तो ना मेरा मन भी नहीं लगता है। तो जब मैं किसी दिन मतलब वो नहीं आता है या कभी ऐसे होता ना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता उसके बिना, बहुत होता बहुत अधूरा। अब तो जैसे ना एक कहते हैं ना लाइफ का हिस्सा बन जाता है वो, है वो मतलब मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है वो, कि उसके बिना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, नहीं आता है वो तो बॉल बहुत ख़राब लगता है। अगर वो नहीं आता ना तो पता है कई बार मैं चली जाती हूँ इतना अच्छा। और बच्चों को भी इतना, बच्चों का इतना खिल गया, टिया के साथ तो इतना ज़्यादा हिल गया है ना कि बस ना उसकी गोद में आके तो वो मेरे पास भी जाती चिपक जाएगा, बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से जब हम उसे छोड़ने जाते हैं ना तो पता है जाता नहीं है, मना करता है, ऊपर ही भागता है ऊपर की तरफ कि नहीं यहीं जाना है। आप लोगों ने आज देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।